बॉलीवुड में कायम रहने के लिए कैटरीना को पड़ी थी स्टील की नसों की जरूरत, जाने क्यों। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कैटरीना कैफ का जन्मदिन 16 जुलाई को आता है। इसी के मुताबिक कल कैटरीना 36 साल की हो जाएगी। बॉलीवुड में अपनी दमदार पहचान बना चुकी कैटरीना का जन्म हांगकांग में हुआ था। बॉलीवुड के तीनों खान के साथ फिल्में बनाने वाली कैटरीना को इंडस्ट्री के हर किसी स्टार के साथ काफी पसंद किया गया है। वही कई हिट फिल्में देने के बाद कैटरीना आज बॉलीवुड की टॉप अभिनेत्रियों में से एक है। इंडस्ट्री में बने रहने के लिए कैटरीना ने कई मुश्किलों का सामना किया है और हाल ही में कैटरीना ने कहा था कि बॉलीवुड में बने रहने के लिए उन्हें स्टील की नसों की जरूरत पड़ी थी, जिसे लेकर कैटरीना ने कहा कि मैं चीजों का उतना विश्लेषण नहीं करती, मैं अतीत के बारे में सोचने के बजाय आगे देखना ज्यादा पसंद करती हूँ और विश्वास करती हूँ कि अभी भी सर्वश्रेष्ठ का आना बाकी है। कैटरीना ने साल 2003 में बूम से बॉलीवुड में अपना कदम रखा। यह फिल्म फ्लॉप रही और दर्शकों पर कैटरीना का जादू नहीं चल पाया। हालांकि इसके बाद कई फिल्मों में अपने काम से कैटरीना ने खुद को एक एक्ट्रेस के रूप में स्थापित किया। गौरतलब है, अपने डेब्यू से लेकर अभी तक कैटरीना ने करियर और अपनी निजी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, जिसे लेकर कैटरीना का अभी भी मानना है कि खुद को साबित करने के लिए अभी उनको बहुत दूर जाना है। कैटरीना ने कहा कि मुझे मीलों तय करना है, भिन्न किरदारों को निभाकर बात बस कोशिश करने और बेहतर बनने और हर फिल्म के साथ कठिन परिश्रम करने से है। वहीं कैटरीना का कहना है कि मेरा काम बड़े पैमाने पर रचनात्मक संतुष्टि दे रहा है और इन किरदारों को निभाने में वाकई में मुझे बड़ा मजा आया। कैटरीना ने अपनी एक्टिंग, अपनी बोल्डनेस और अपने डांस से दर्शकों का दिल जीता है, जिसके बाद कैटरीना अब फिल्म प्रोडक्शन के क्षेत्र में प्रवेश कर रही है। उनका कहना है कि कुछ अच्छी कहानियों में निवेश करने का उन्हें इंतजार है। कैटरीना ने कहा कि मैं इस तरह की फिल्में बनाऊंगी जिसे मैं एक दर्शक के तौर पर देखना चाहूंगी। कैटरीना की आगामी फिल्म सूर्यवंशी है, जिसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है।